ये प्रतिलेखन संख्या 19 और 20 है, एक साथ बोलूँगा, 10 मिनट तक बोलूँगा। जो भाई SSC की तैयारी में लगे हैं वो ज़रूर लिखें, ठीक है? रेडी, स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट। आदरणीय साथियों, भारत में पंचायती राज की मान्यता सदियों से रही है। पंचों में परमेश्वर वास करता है, ऐसी हमारी मान्यता रही है। वेदों में कहा है कि 5 व्यक्ति समर्पित रूप से मिलकर यज्ञ को पूर्ण करें। स्वर्गीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मान्यता थी कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। जब तक गांव स्वतंत्र नहीं होते, देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होगा। गांधी जी के अनुसार सच्चे लोकतंत्र का परिचालन केंद्र में बैठे 20 व्यक्तियों द्वारा नहीं कराया जा सकता है। इसका क्रियान्वयन प्रत्येक गांव के निवासियों के माध्यम से ही होना चाहिए। उनके अनुसार जन समर्थन प्राप्त पंचायतों को कोई भी कानूनी कार्य करने से नहीं रोक सकता। गांव का प्रत्येक समूह या उस समूह के सदस्य अपनी पंचायत बना सकते हैं, चाहे भारत के अन्य गांवों में पंचायतें हो अथवा नहीं हो। गांधी जी की यह मान्यता थी कि हर अधिकार कर्तव्य से ही मिलता है, ऐसे अधिकारों से कोई भी वंचित नहीं कर सकता। पंचायत लोगों की सेवा करने के लिए है तथा भारत का हर लोकतंत्र इकाई गांव ही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के संबंध में अंकित किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर होगा तथा उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर भारत सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए समय समय पर कदम उठाए हैं। 2 अक्टूबर 1992 को भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। इसके अधीन स्थानीय विकास हेतु सरकार द्वारा विकास खंडों को अनुदान राशि दी गई। भारत सरकार ने देश के ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करने हेतु पंचायत राज संस्थाओं के संबंध में 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। इस समिति ने सिफारिश की कि विकास से संबंधित समस्त कार्यों को पंचायती राज संस्थाओं को सुपुर्द कर देना चाहिए। समिति की सिफारिश के अनुसार ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें पूर्णतः निर्वाचित हों। इनमें 2 महिला, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि मनोनीत हो। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का विकास के समस्त कार्य हाथ में ले। ऐसी व्यवस्था है कि पंचायत समिति धीरे धीरे एक सक्षम प्रजातांत्रिक संस्था के रूप में कार्य करे। जिला स्तर पर पंचायत समिति में समन्वय रखने हेतु प्रत्येक जिले में जिला परिषद का गठन हो तथा उसमें सांसद, विधानसभा सदस्य भी सदस्य रहें। भारत सरकार द्वारा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने हेतु पंचायती राज व्यवस्था शुरू की जाए। राजस्थान सरकार ने देश में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में दीप प्रज्वलित कर त्रिस्तरीय पंचायती राज
व्यवस्था आरंभ की। यद्यपि राज्य में पंचायतें पहले से थीं, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति व जिला स्तर पर जिला परिषदों का गठन किया गया। वर्ष 1960 में प्रथम चुनाव हुए। आदरणीय साथियों, कई सरपंच निर्विरोध चुने गए। अनेक चुनाव के बाद जीत कर सरपंच बने। ग्राम पंचायतों के सरपंच ही पंचायत समितियों के सदस्य बने एवं उनमें से प्रधान व उपप्रधान अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते रहे। सब पंचायत समितियों के प्रधान सांसद व विधानसभा सदस्य जिला परिषद के सदस्य बनते रहे। उन्हीं में से जिला परिषदों के प्रमुख व उप प्रमुख चुने जाते रहे, ना केवल राजस्थान में ही अपितु देश के अधिकांश राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के आरंभ के वर्षों में इन संस्थाओं ने ग्रामीण विकास की दिशा में अच्छे परिणाम दिए। लेकिन कुछ वर्षों बाद किन्हीं कारणों की वजह से पंचायती राज संस्थाएं अपने सौंपे गए उत्तरदायित्वों को सही ढंग से निष्पादित करने में असमर्थ दिखाई देने लगीं, अर्थात ये संस्थाएं अपेक्षित परिणाम देने में असफल रहीं। इसका सबसे बड़ा कारण इन संस्थाओं के पास वित्तीय साधनों की कमी रही। साथ ही अधिकांश राज्य सरकारों ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भी अधिक रुचि नहीं ली। पंचायती राज संस्थाओं को अधिक गतिशील बनाने हेतु अशोक मेहता कमेटी ने सिफारिश की कि विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी जिला परिषदों की हो। समिति के अनुसार पंचायत 10-15 गांव की मंडल पंचायत हो तो अधिक सक्षम होगी। यह मंडल पंचायतें ग्रामीण विकास योजनाओं को क्रियान्वित करेंगी। साथ ही समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी से करवाने की सिफारिश भी की। ग्रामीण विकास की प्रशासनिक व्यवस्था व गरीबी उन्मूलन समस्याएं हेतु गठित GVK राव कमेटी ने जिला स्तर पर योजनाएं बनाने व नियमित चुनाव कराने की सिफारिश की थी। देश की पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ व पुनर्जीवित करने हेतु गठित डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी ने ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त वित्तीय साधन देकर अधिक सक्षम बनाने पर बल दिया तथा साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दिए जाने पर भी विशेष बल दिया। देश में पंचायती राज संस्थाओं की बिगड़ती हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पंचायती राज ढांचे को सुदृढ़ बनाने की कल्पना की थी और उन्हें पंचायतों को अधिक अधिकार सौंपने तथा महिलाओं और कमज़ोर वर्गों की इन संस्थाओं में अधिक से अधिक भागीदारी देने की परिकल्पना की थी। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के प्रयासों से अब यह संभव हो पाया है कि इस संबंध में शुरू किए गए प्रयासों तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार बनाने की दृष्टि से संविधान में 73वीं संशोधन की कुछ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करना चाहूँगा। पंचायती राज संस्थाओं को प्रथम बार संवैधानिक दर्जा दिया गया। सभी राज्यों में पंचायती राज की त्रिस्तरीय पद्धति लागू की गई,
लेकिन जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ बीच के स्तर की इकाई गठित करने की मर्जी राज्य सरकारों पर छोड़ी गई। ग्राम सभा को वैधानिक दर्जा दिया गया। हर 5 वर्षों में अनिवार्य रूप से चुनाव होंगे। चुनाव की व्यवस्था एक स्वतंत्र चुनाव आयोग करवाएगा। स्टॉप।